तो हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एडवांस डेटा वैलिडेशन, जिसमें आपको हम वैलिडेशन के लिस्ट और उनके चीजों के बारे में आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लिस्ट के बारे में, जैसे कि मान लीजिए कि सिटी का लिस्ट है, जैसे कि हमने लिख दिया नोएडा एंड हमने लिख दिया मान लीजिए दिल्ली, ये हमारा सिटी लिस्ट है, राइट। तो यहां पे मान लीजिए कि हम सिटी को सिलेक्ट करते हैं सिटी, और हमने यहां पे डेटा वैलिडेशन लगा दिया। कि यहां पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूं दिल्ली एंड नोएडा। तो यहां से मान लीजिए हम दिल्ली नोएडा सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर यहां पे हम एरिया देते हैं तो क्या है कि एरिया का अलग अलग कोड है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मेरे पास है साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल एंड एनसीआर, ये दिल्ली का एरिया है। और नोएडा के मान लीजिए सेक्टर्स है 1 से लेकर 18, 22, 25, 62, 63 जो भी सेक्टर्स है। तो हम चाहते हैं कि अगर मैं यहां नोएडा सिलेक्ट किया तो यहां पे मुझे नोएडा का एरिया आना चाहिए। अगर मैंने यहां सिलेक्ट किया दिल्ली तो यहां दिल्ली का एरिया आना चाहिए। तो इसके दो मेथड हैं। अगर आपके पास एक दो आइटम्स हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ए मेथड। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि इसका नेम जो है, इसका नेम हम डिफाइन कर देते हैं। इसका नेम फॉर्मूला में जाते हैं, डिफाइन नेम, इसका नेम दे देते हैं सिटी। सिटी नेम आप कीजिएगा दिल्ली। और इसका नेम जो है हम डिफाइन नेम में मान लीजिए नोएडा दे देते हैं। अब यहां पे हम डेटा में डेटा वैलिडेशन लेते हैं और लिस्ट में जाते हैं। तो बेसिकली यहां पे हम किसी रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कहीं हम इस पे हम नेम रेंज, जैसे मैंने दिल्ली मैनुअली दिल्ली डाल दूंगा तो यहां दिल्ली का रेंज आ जाएगा। लेकिन मुझे इस सेल से लिंक करना है, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर लुकअप में बताया था, तो यहां पर यूज होगा इन डायरेक्ट का फॉर्मूला। इनडायरेक्ट इसको सिलेक्ट किया एंड ओके। देखिए साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है। अगर मैं यहां से चेंज करता हूं नोएडा तो ऑल्सो विल बी चेंज हियर सेक्टर्स, क्लियर है। एक बार ये नेम मैनेजर वाला फिर से बताएंगे। बेसिकली नेम मैनेजर में हमने क्या किया हुआ, मतलब हमने क्या किया कि नेम डिफाइन किया, जैसे कि साउथ थे, हर एरिया का अलग अलग नेम डिफाइन कर लिया हमने, ठीक है। जैसे कि हमने दिल्ली का कर लिया, हमने क्या बोलते हैं उसको नोएडा कर लिया, और हमने यहां पे बेसिकली जब डेटा वैलिडेशन लगाया तो डेटा वैलिडेशन में हम एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में हम किसी रेंज को, नेम रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि नेम रेंज यहां सिटी पे लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर डाले ताकि नोएडा एज ए टेक्स्ट ना रह के नोएडा एक रेंज रह गया, ठीक है। यस यस, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी जब मेरे पास कभी लार्ज डेटाबेस होगा, जैसे कि मेरे पास सिटी है यहां पे
और मेरे पास एरिया है, समझे? तो सिटी और एरियाज बहुत सारा है हमारा। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इतने मान लीजिए 20, 50, 15, 25 सिटी है तो उसका नेम लिस्ट बनाना मुश्किल है, और इंक्रीज भी होता रहता है, कभी नया सिटी नया उसका एरिया ऐड हो गया तो फिर दोबारा से डिफाइन नेम करो, तो इतना सा मुश्किल पार्ट है। क्या बोल रहे हैं सर? तो मैं चाहता हूं यहां पे सिटी यूज करना और यहां एरिया यूज करना। तो अगर मैं डेटा वैलिडेशन में सिटी लिस्ट तो हमारा फिक्स है, तो सिटी लिस्ट हमने यहां पे दे दिया। अब मुझे इस अगर मैंने यहां पे पुणे सिलेक्ट किया तो पुणे का जो सेक्टर्स है मतलब कि जो एरिया है, अगर मैं यहां फिल्टर करता हूं और पुणे करता हूं तो मुझे यहां पुणे के जो लिस्ट है ये लिस्ट हमें यहां शो करना है। तो ये जो हमने पहले भी C3 में जो एग्जाम्पल दिए इस एग्जाम्पल से तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है सर? तो कैसे करें? तो इसके लिए कुछ सोचना होगा। हालांकि वीवीएम में इसका सॉल्यूशन है बट हम वीवीए के जरिए नहीं करना चाहते। तो हमने क्या किया, पहले इसको शॉर्ट किया, हमने इसको शॉर्ट यहां कस्टम शॉर्ट में जाके हमने इसको शॉर्ट किया किसके वाइज, सिटी के वाइज, ताकि सारा सिटी इकट्ठा हो जाए। इसका एक यही पे दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको यहां सिटी वाइज सिलेक्ट सॉर्ट करना पड़ेगा ताकि हर सिटी एक जगह पर आ जाए। उसके बाद यहां पे हम ऑफसेट फॉर्मूला के बारे में थोड़ा जानते हैं। ऑफसेट फॉर्मूला आपने देखा होगा कि क्या करता है, लुकअप करता है, कि मैंने बोल दिया यहां से जाओ वन रो एंड वन कॉलम, तो उसकी डेटा दे देता है, देता है ना। लेकिन अगर इसमें एक हाइट और विड्थ है, ये डेटा नहीं देता है, एक रेंज को देता है। तो मैंने बोला A1 से जाना है, ठीक है, और हमने रेफरेंस दिया रो, रो कितना रो, तो उसके लिए मैं यहां पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा कि मैच सिटी में पुणे और हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम को, कॉमा 0 एंड कॉलन 1, और हमने बोला हाइट, हाइट में मैं यहां पे काउंट इफ लगाऊंगा कि काउंट इफ इस पूरे कॉलन में हमारा पुणे कितना बार है, और हमारा विड्थ हमारा 1 टाइम है। तो यहां पे वैल्यू दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको सम के अंदर में या किसी चीज के अंदर में डालूं और डालने के बाद आपको मैं इसको एवलेट करूं तो समझ में आएगा कि ऑफसेट करके आ रहा है। तो ऑफसेट फॉर्मूला को सबसे पहले मैच दे रहा है कि मैच ने पुणे को रिसर्च करके बोला कि पुणे है ना, पुणे की जगह चेंज करता हूं मैं, यहां दिल्ली करता हूं तब कुछ समझ में जल्दी आएगा। यहां देखिए एवलेट किया, और यहां सबसे पहले मैच ने रिजल्ट दिया 2, मतलब कि दूसरे नंबर रो से। फिर हमने काउंट इफ लगा के बताया कि आखिर दिल्ली कितना है, तो 13 है। तो हमने दिल्ली कितना है, 13 है, तो हमने बोला कि दूसरे नंबर रो से 13 कॉलर रो तक, तो इसने क्या बता दिया हमारा रिजल्ट, B3 से B15। इसमें एक माइनस करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि ऑफसेट हमेशा 0 से चलता है ना, इसलिए माइनस मैच के फॉर्मूले में माइनस करना पड़ेगा। तो ऑफसेट को क्या क्या चाहिए होता है, पहला चाहिए होता है कि स्टार्टिंग पोजीशन, फिर चाहिए होता है रो, तो मैंने रो दे दिया 1 कि पहले एक रो से, तो 0 एंड 1 आ गया। फिर हमने बोला कॉलन मतलब कि अगली कॉलम, तो यहां एरिया बी में आ गया। और काउंट इफ ने काउंट करके बताया कि दिल्ली कितना बार, 13 है, इसने क्या किया B2, और B2 से 13 को काउंट, 13 रो को काउंट किया और पूरा उसका एड्रेस बना दिया जो कि है
B2 से B14। ठीक है, तो हाइट मतलब कि कितने रो एंड कॉलम मतलब कि कितने विड्थ मतलब कितने कॉलम। तो विड्थ तो एक ही है हमारा, एक ही रहेगा। और इसी को हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम डिफाइन नेम में जाते हैं। तो कि डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम डेटा वैल्यूएशन में नहीं यूज कर सकते लिस्ट में, तो डिफाइन नेम में मैंने यहां पे दे दिया एरिया, और इस फॉर्मूले को हमने पेस्ट कर दिया। फॉर्मूला पेस्ट करने के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप फ्रीज जरूर कर दीजिएगा, वरना दिक्कत हो जाता है F4। ये इसका थ्री फिर नहीं करते। अब फिर मैं डेटा वैलिडेशन आप सॉरी डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, और डेटा वैलिडेशन में मैं यहां लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा, और मैं सिलेक्ट करूंगा एरिया को एंड ओके। आ गया दिल्ली का सेक्टर 7 से, और जैसे मैं यहां चेंज करता हूं नोएडा ऑल्सो हियर चेंज। मैं करता हूं जीजीएन, तो यहां जीजीएन के एरिया आ जा जाएंगे। ऐसे तीसरा चाहते हो तो तीसरा, चौथा चाहते हो तो चौथा, ऐसे आप कर सकते हो। 3 कॉलम, बस आपको डेटा को शॉर्ट करना है। अब बताइए किसी को डाउट है इसमें? सर एक चीज ये है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट छोटा हो जाता है जो लिस्ट आती है, क्या छोटा हो जाता है ना सर ये लिस्ट जितनी बड़ी हो जाती है तो। अब इसमें और ज्यादा एडवांस करना हो तो फिर उसके लिए हम VBA माइक्रो प्रोग्राम यूज करते हैं। ठीक है सर, क्लियर है? यस सर। तो डेटा वैलिडेशन यही यही होता है। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। मैं फाइल ये आप लोगों को भेज देता हूं, और मुझे इसमें कुछ और नई चीजें, मैंने 2 कैटेगरी लिया है ना, आप इसमें 3, 4, 5, 6 कैटेगरी इस्तेमाल करने के लिए यूज करो। यस सर। ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से? यस यस सर। सर, हो जाए। सर एक चीज पूछनी थी इसमें, जैसे सर ये आप तो किया, लेकिन इसमें सर ये फॉन्ट साइज जो छोटा हो जाता है, जैसे मोर देन अगर ज्यादा लिस्ट है तो फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज, इसके अंदर लिस्ट के अंदर छोटा हो जाता है। मैंने एक्चुअली यूज किया हुआ है सर। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सर इसमें जैसे मैंने सर्च क्या, को टाइप इन सर्च, नहीं, वो उसको ऑटो सजेशन करते हैं, वो भी नहीं होता है। अच्छा ये 8 मई 2 देन ठीक है, आप लोग से रिसर्च कीजिए, जितना मुझे पता था मैंने बताया।